सर, इसके गांड में से किसे गोली मारी गई है? इसका मतलब समझे दया। क्या सर? इसका मतलब इसके गांड में एक छेद था। सर, सबके गांड में छेद ही होता है। भाई, आईपीएल का समय हो गया है, जरा स्टार स्पोर्ट्स लगाओ तो। नहीं, मैं नहीं देखता। तब रो, डोरीमन लगाओ ना। चुप बैठ डोरीमन के लोरे। यही देखो, अभी डॉक्टर साहब के गांड चट के खूनी का पता लगाएगा। भाई, ये तो चलता रहेगा, अब आईपीएल लगाओ, आईपीएल देखो, हर कोई देखता है। नहीं, मैं नहीं देखना चाहता, तुम अपने घर में जाके देखो ना। ओ भाई, मेरे पे एचडी सिग्नल नहीं आता। एक्स वीडियोस तो तुम 360 पिक्सल पे देखते हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो तो भाई मोबाइल पे देखता हूँ। वैसे आप भी तो पहले आईपीएल देखते थे, अभी क्या हुआ? हाँ ब्रो, अभी क्यों नहीं देखते? ये आईपीएल बकसोदी से मैं परेशान हो चुका हूँ। रुको, तुम्हें मैं सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। पहले आते हैं ये आईपीएल के गाने, वो 2013 में था, दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक। चला, जिसको देखता था वही नाचने लगते थे। मेरे घर पे मेहमान आया था, एक टकला अंकल, पापा का दोस्त। चला, हर सोफे पे उठ के नाचता था, ऐसा लगता था फूका मर रहा है, चला गेंडा कहीं का। फिर 2014 में आया कमोन बुलाबा आया है, जिसमे लोग कोलर ऊपर करके बालकनी से कूद जाते हैं। अरे बहनचोद, इतना भी क्या जल्दी है, आराम से जा। पर लोगों ने उसको भी सीरियसली ले लिया। क्लास के बच्चे कोलर ऊपर करके टीचर को बोलते हैं, सर मेरा बुलाबा आया है, और अगले ही पल खिड़की से कूद जाते हैं। टीचर को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। फिर अगले ईशन मदरसों वो भी कोलर उठा के कूद जाता है। यस ब्रो, हमारे टीचर तो आईपीएल देखने के चक्कर में स्कूल ही नहीं आता था। और इस साल निकला, आएंगे हम वापस। अरे क्यों आ रहे हो, मत आओ, कम से कम इस साल मत आओ, कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ, और फिर भी आ रहे हो गांड मराने, तो असली गाने के साथ आओ। किसी का चुरा के बिना क्रेडिट दिए आने का क्या मतलब? इससे अच्छा तो इस गाने का सिक्वेल बनाते। हाँ, और नाम देते उसका कमोन मरवाने जाना है। ये आईपीएल टीम्स के नाम, मुंबई इंडियंस। पहली बार जब मैंने सुना था, सोचा कि पाकिस्तान में भी एक मुंबई होता होगा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इंडियन लगाया। फिर बाद में पता चला जिसका जो मर्जी वही लगा सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स, किंग सुपरमैन बन गया, किंग्स 11 पंजाब। अबे केरला राजा किस जगह का होता है बे? कोलकाता नाइट राइडर्स, नाम सुन के ऐसा लगता है मोटोजीपी का राइडर हो, वो भी रात को चलाने वाला। नाइट मीन्स नाइट, नॉट नाइट। यस आई नो दैट, पर सुनने में तो वही लगता है। मैं बता रहा हूँ, अगले साल केआरके अपना टीम केआरके लेके आएगा। केआरके केला रखने वाला केला लाल, एसआरके को टक्कर देगा ये। तुम्हें आईपीएल देखना है ना टीवी पे? हाँ, जरूरत ही नहीं है उसकी। मोबाइल पे व्हाट्सएप ऑन कर कौन क्या करता है, कितना विकेट गया है, किसका जीतने का चांसेस है, सब कुछ पता चल जाएगा। सूतिया लोगों की कमी थोड़ी ना है। एक आंख से टीवी देखेगा, एक आंख से मोबाइल देखेगा, स्टेटस देता रहेगा। एमआई लाल दिल, हार्दिक पीला दिल, विराट किस करता हुआ म्यूजी। और कुछ लोग तो भैया जंग ही लड़ते है। एक सूतिया लिखेगा, राजस्थान रॉयल्स में दम नहीं है, बुरी तरह से हारेगा साला। फिर अगला सूतिया उसका स्क्रीनशॉट लेके रिपोस्ट करेगा, अरे देखेंगे ना आरसीबी वालों, विराट के लंड में इतना दम नहीं है कि वो हमें हरा सके। फिर तीसरा सूतिया अगले का रिपोस्ट करेगा, ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा पूरे सीजन। हाँ भाई। हाँ क्या, उनमें से एक सूतिया तू भी है। इसके बाद आता है ये स्पॉन्सर। सला शर्ट पैंट बेड स्टैम्प बाउंड्री लाइन फील्ड, पूरा का पूरा स्टेडियम को स्पॉन्सर करता है, यहाँ तक कि ट्रॉफी को भी नहीं छोड़ता। और उसी स्पॉन्सर का एड्स हर 30 सेकंड में लगाएगा। मुझे समझ नहीं आता मैच के बीच एड्स लगाता है या एड्स के बीच मैच। पूरे 200 का ज्यादा रिसर्च करता हूं, तब जाके आईपीएल देख पाता हूं, और उसमें भी भर भर के एडवर्टाइजमेंट। ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल मैं भी स्पॉन्सर करूंगा और बोलूंगा, ये है मेरा सीता ब्रांच चड्डी, भोसरी के पैंट के ऊपर पैन, सुपरमैन की तरह सबको दिखना चाहिए। सबसे ठरकी और चूतिया होता है ये कैमरामैन। बेंचोत हर साल किसी ना किसी लड़की को फेमस कर देता है, लाखों में फॉलोअर्स दिलाता है। मैं भी तो स्टेडियम में बनियान पहन के उछल के सीएस कर रहा था, फिर भी एक झलक तक नहीं दिखाया। आई थिंक ब्रो, कैमरामैन अनुराग कश्यप था, अगला शिकार ढूंढ रहा था। देश के आधे से भी ज्यादा लोगों को आईपीएल का इंतजार इसलिए नहीं होता कि उन्हें मजे लेने हैं ना, इसलिए है ताकि वे बैटिंग कर सके। पर भाई, आईपीएल में बैटिंग इल्लीगल है,
इलीगल है पर कानून के नजरों से छुप छुप के करता है। पिछली बार राजू को मार्केट में मिला था, बेटिंग करने जा रहा था, मैं भी गया उसके साथ, देखना चाहता था कि करते कैसे। वहाँ पर राजू ने 200 रुपया लगाया और पलक झपकते ही 2000 कमाया। फिर मेरा भी जोश भरा, मैं भी खेलना शुरू कर दिया। पूरे 2 घंटे बाद पैसा ही पैसा मिला था, नहीं कंगाल हो गया था। उधर इतनी बढ़ गई थी, मेरे कपड़े तक लूट लिए, नंगा करके चोट दिया। कैंडल लैंड को पत्ते से ढक के खड़ा पड़ा। तब से मैंने आईपीएल देखना बंद कर दिया। नहीं चल सकता ये सब बकचोदी। कोई बात नहीं भाई, इसको जाने दो, कल सुबह खेलेंगे हम क्रिकेट। हाँ, अपने सभी पंटरों को बुलाएंगे और नंगा क्रिकेट खेलेंगे। तो गाइस, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी आईपीएल देखने वाले दोस्तों के साथ। और हमारे चैनल पे पहली बार अगर कोई टपके हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सनारा।